कहाँ बिताएंगे वो तो अब ये सिक्का बताएगा। टेल आया तो बुआ के घर चलेंगे, और अगर हेड्स आया तो रिच वाली मामी के घर चलेंगे। अंत्या मामी का कॉल आया, उन्होंने छुट्टियों पे तुम्हें बुलाया रहने के लिए। तो देखते हैं किस्मत का फैसला। कुछ फैमिली स्ट्रिक्ट होती है और कुछ फैमिली होती है कूल। पर क्या होगा अगर ये कूल फैमिली की अनंत्या स्ट्रिक्ट फैमिली में जाएगी? उसको देखने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ वो रेड बटन है ना सब्सक्राइब का, उसको भी जल्दी से सब्सक्राइब करके ग्रे कर दो, और हाँ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो जरूर शेयर करना। और मामी के घर जा रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगा उस खड़ूस मामी के घर यार। मामी है खड़ूस लेकिन दिल की साफ है। हर बार ये कैसे जीत जाती है मम्मी? क्योंकि हर बार मैं सिक्का चिपका के रखती हूँ। दोनों साइड हेड्स है तो टेल्स आएगा कैसे? मैं आ रही हूँ मामी। और अब अनंत्या पहुँच जाती है दिल्ली अपनी मामी के घर। हाँ अग्रवाल जी, अनंत्या आज आ जाएगी, परसों आप आ जाना उससे मिलने। बस आप एक बार मायने सानम से मिला दो तो हमारी डील पक्की। और अब यहाँ से शुरू होती है अनंत्या पे रूल्स की बारिश। ये चप्पल के निशान किसके हैं? क्या घर के नियम भूल गए? अरे मामी सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो। हमारी फैमिली के कुछ रूल्स हैं और सारी फैमिली रूल्स पे चलती है। पटलन अनंत्या का सामान गेस्ट रूम में रख दो। बड़ी स्ट्रिक्ट फैमिली है ये। किसके लिए? हमारे घर में रूल है, जो गंदगी करता है वही साफ करता है। हाँ आए बड़े रूल रूल। और ये रहे इस घर के रूल्स। तेरी छुट्टियाँ तो रूल्स फॉलो करते करते ही कट जाएंगी। अरे इस स्ट्रिक्ट फैमिली को तो मैं कूल फैमिली बना के ही रहूंगी। और यहाँ से जंग चालू होती है रूल्स वर्सेस नो रूल्स की। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग, बात सही करो। सॉरी। कितनी बार कहा है खाते समय आवाज नहीं? आलू के गरमा गरम पराठे ये हटाओ, ये हटाओ, मक्खन लगाओगी। गरमा गरम बिना मुंह धोए आलू के पराठे। ड्राइवर गाड़ी निकालो। मामी खाना तो खाते जाओ। मुझे खाना खाते समय बिल्कुल खटर पटर पसंद नहीं है। हमारे यहाँ खाने के भी रूल्स हैं। जैसे? जैसे ये पहनो। तुम रेस्टलाई। नहीं। इससे यहाँ पर रहते हैं ताकि खाना ना गिरे। और चूरी काटे से खाते हैं। आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। अरे छोड़ो यार, इससे अच्छा तो मैं दाल चावल खा लेती हूँ। खाने के इतने नियम बना दिए तो आदमी खाएगा कैसे? हाँ बस ऐसे ही चम्मच से खाना है। अरे रूल को मारो गोली, मैं तो अपने हाथों से ही खाऊंगी। एक बार तुम लोग भी ट्राई करके देखो। नहीं नहीं मम्मी गुस्सा करेंगी। मामी कौन सा घर पे है? अब एक बारी उंगली चाट के देखो। अरे वाह तू। अरे वो सूप नहीं, वो फिंगर बोल है जिसमें हाथ धुलते हैं। अरे तुम्हारे लिए फिंगर बोल होगा, हमारे लिए तो वो नींबू पानी है। टेक्नोलॉजी है अब घर में इतने रूल्स हैं तो चीटिंग तो करनी पड़ेगी ना। नहीं ये गलत बात है, माना कि मामी थोड़ी स्ट्रिक्ट है लेकिन ऐसे नहीं, एक बार पूछ के तो देखो शायद वो मान जाए। अरे तेरी बहुत आवाजें आ रही है। और अनंत्या तुम्हें तो पढ़ना नहीं है, हमारे बच्चों को पढ़ने दो।
हाँ मामी तेरी है पर मम्मी हमारी है, हमें सब पता है। मोबाइल मेरे रूल्स के खिलाफ, किसका आइडिया? हाँ मामी 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 मेरा आइडिया था, वो ये लोग रूल्स से परेशान हो गए थे ना, तो मैंने इनको आइडिया दिया था कि दरवाजे पे लगा दो फोन। खुद तो तुमने पढ़ना नहीं है और इन लोगों को भी नहीं पढ़ने देती हो, जितने दिन के लिए आई हो तमीज से रहो, सारा दिन बस यूट्यूब वीडियोस बनाती रहती है खुद। थैंक्स अनन्या, मुझको तो आदत है। एक मिनट ये क्या चुप रहा है? अरे नितिन भैया की शादी है, हम कब जा रहे हैं? हम कहीं नहीं जा रहे, पढ़ाई हमारे घर का पहला रूल है। हमारी फैमिली का तो सिर्फ एक ही रूल है और वो है। अरे बेटा पढ़ाई तो होती रहेगी, शादी पहले है। लेकिन मम्मी मेरा एग्जाम है। मेहमान आते हो, जाओ खोलो। आई 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 आपको देख के। कोई और नहीं है? अरे बेटा अरे अरे शोर में मैं कैसे पढ़ाई करूं? अरे बेटा पढ़ाई वाले तो कहीं भी पढ़ लेते हैं। आज ठीक यही तैयार होते, तू कहीं और पढ़ ले जाकर। चलो भाई शादी में सब सस्ती मस्ती कर रहे हैं, शादी के चक्कर में नंबर कम आएंगे लेकिन हम कूल फैमिली वाले रिश्तेदारी पूरी निभाएंगे। और सुनो भाई दादी को परात में पीछे रखना नहीं तो छूट जाएंगी। चलो दादी तुम्हारे पड़ोस में धमकर लड़ाई हो रही है, मारपीट शुरू हो जाएगी, जल्दी चलो जल्दी चलो, मारपीट ना मिस हो गए। तुम लोग सो रहे हो? अरे 9 बजे कौन सोता है? धीरे बोल, इस घर में धीरे बोलने का रूल है। और यहाँ 9 बजे सो जाते हैं? अरे हमारे यहाँ ना सब चमगादड़ हैं। 1 बजे से पहले किसी की आंखें भी नहीं झपकती हैं। और हमारे यहाँ एक बार तो लेट के सोफे पे गल्ला गाड़े, टिंग टिंग प्लाज्मा टीवी का मुखड़ा ताड़े, टेंट एयर न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड। मम्मी 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 मम्मी। अरे बेटा कितनी बार कहा घर में धीरे बात किया कर। अरे मम्मी आपको पता है बगल वाली बड़ी मम्मी के पास है प्लाज्मा टीवी वॉशिंग मशीन, वो भी ऑटोमेटिक और नया सोफा है। अरे हाँ सरकारी नौकरी जो करते हैं पैसा वहीं से आ रहा है। और दादी भी तो देती है। अरे हमने कब पैसे दिए? तो इतने धीरे धीरे बात कर रहे हैं, दादी ने कैसे सुन लिया? और हमारे यहाँ तो ना अगर तो पड़ोसियों तक तो आवाज आ जाती है हम इतने लाउड है। सोए नहीं अभी तक? बस सोए नहीं, बस हम ही जा रहे हैं। ला 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 मैं हूँ डोरेमोन निंजा। अनन्या जहाँ से टॉवल उठाया था वहीं रखो। कौन है भाई? चुपचाप रखो। हाँ रखती हूँ। मामी ने सही गार्डन लगा रखा है, इतने सारे अच्छे अच्छे फूल है, एक तोड़ी लेती हूँ। अनन्या फूल मत तोड़ो। कौन है यार? नहीं तोड़ूंगी। अनन्या जोर से मत छींकना। अरे तुम दोनों क्या पूरे दिन पढ़ते रहते हो? सच सच बताना मामी के जादू तो ना करती है, जो भी करो उनको पता चल जाता है। कैमरे मम्मी किटी पार्टी में और वहीं से हमें देखती रहती है। शुक्र मना हमारी आवाज में नहीं जाती। बहुत हो गए ये नियम और कायदे, चलो तुम छत पे चलो। क्या तुम लोग नहीं चाहते अपनी मर्जी से खेलना कूदना सोना खाना हंसना रोना? पर रूल्स भी तो फॉलो करने पड़ते हैं। हाँ लेकिन इतने नहीं करने पड़ते कि जीना ही भूल जाओ। तो अब क्या करें? तू जीना सिखा दे। ठीक है आज मामी 4 से 10 गई है किटी पार्टी में, तो हम उस टाइम पे करेंगे अपनी पार्टी। सारे नियम को भूल जाओ इन घंटे। अगर मम्मी आ गई तो?
अरे मम्मी के लल्ले नहीं आएंगी। मामी रूल्स चुपते हैं ना तुम लोगों को। ये पार्टी आइडिया भी तुम्हारा ही होगा। कल मेरे एक फ्रेंड आ रहे हैं, उनसे मिलना और 2-3 दिन में मामा तुम्हें छोड़ आएंगे। मामी वो कुट्टू भैया और वानी नहीं दिख रहे। वो लखनऊ गए हैं मामा के साथ, 2-3 दिन में आ जाएंगे। आप मुझसे अभी भी गुस्सा हो ना? फ्रेंड आ रहे हैं मेरे, मिलना हो तो मिलना वरना रहने देना। ये नियम कानून सब तुम्हारी भलाई के लिए। भल मामी 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 क्या हो गया मामी? और इस खराब तबीयत में अनंत्या ने मामी की खूब सेवा की और इससे मामी को एहसास हुआ कि अनंत्या नटखट तो है पर दिल की नेक है। नमस्ते रुपम जी। नमस्ते भाई साहब। आइए आइए अनंत्या, देखो तुम्हारे फैन आए हैं। पापा मामी सानंद का अंदर है बेटा। हाय मामी सानंद, आप कितने क्यूट हो। फोटो ले लूं? हाँ ले लो, मैं ले लूं। और अब मामी को एहसास हो रहा था कि अनंत्या को सब सच बता देना चाहिए। अनंत्या आना एक मिनट। मैं बस एक मिनट में आई, ठीक है? हाँ बैठ। मैंने तुझे एक बात कहनी थी। मैंने तुझे अपने मतलब के लिए बुलाया था। मेरे पार्टनर है ना, उनकी बेटी तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है और वो तुमसे मिलेगी और मेरी डील फाइनल हो जाएगी। मामी कोई बात नहीं, मेरी मम्मी ने ज्यादा नहीं बस एक रूल फॉलो करने के कहा है कि तुम्हारे कारण अगर किसी का भला हो तो जरूर करना चाहिए। लेकिन ये मेरा रूल है ना किसी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।